अरे सच्ची बताऊँ तुम्हें, बता देती हूँ सच सच, ऐसा कोई ख्याल नहीं था दिमाग में, मैंने तो बोल दिया था आपने शायद गलत इंसान को फ़ोन कर दिया है, बट उन्होंने ऋत्विक को बोला कि आप कन्विंस करो ना इसे। सो ऋत्विक लाइक अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर ऋत्विक ने मुझे समझाया तो मुझे एक्चुअली लगा कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ शायद, इतना भी वो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकती इस बारे में। सो और आई थिंक खतरों के खिलाड़ी से मुझे पता चलेगा मैं कितनी स्ट्रांग हूँ अगर अभी, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो आ रही होगी ना कि करना ही करना है ये टास्क। सो आई थिंक हो जाएगा, ऋत्विक को मुझ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट मी मुझे नहीं है इतना, मेरे अंदर जो लड़का है ना वो आपको देखने को मिलेगा। एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बट हाँ मुझे स्विमिंग नहीं आती थी तो मैं स्विमिंग सीख रही हूँ, और बस कोशिश कर रही हूँ कि कैसे अपने आप को वहाँ पे मेंटली एकदम शांत रखूँगी, दिमाग को स्टंट करते वह पैनिक नहीं करूँगी, तो बस यही सब तैयारियाँ हैं। मैं किसी चीज़ के लिए दो दिन बाद नहीं सोचूंगी, सब मुझे करना है और मैं सब करूँगी, यही सोच के जा रही हूँ, सब चलेगा, प्रिपेयर्ड हूँ, जो होगा देखी जाएगी। फैंस को सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, लास्ट टाइम भी आपने हमारे मतलब आपकी वजह से हम नच बलिए जीते, इस बार मुझे आपके वोट्स की नहीं सिर्फ आपके प्यार की और आपकी दुआओं की और आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, एंड आई जस्ट होप कि आप बहुत सारी प्रेयर करोगे मेरे लिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।